अफसोस मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं इतने पास आकर मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हूँ। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं छठे ज्यारत पे। आप कभी आए हो नहीं आए वो बताना, तो अभी मैं आपको ना यहाँ की जो ज्यारत है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सतवारी चौक। तो अभी सबसे पहले मैं कुछ खाने का अपने खाने का कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। संतरे कैसे है? 40 रुपए किलो, 100 का 3 किलो, 2 पैसे। अभी दिन के बज रहे हैं 4, तो आज मैंने खाने के लिए ना सिर्फ ये संतरे लिए हैं। मेरे को ना बहुत ज्यादा लगी है भूख। वसीम ने तो और इन्हें ना पहले वैसे कुलचा खा लिया था, लेकिन इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं पूछा। इधर इस वाली गाड़ी पे जाना है। कहाँ जा रही है? क्या स्लिम में बैठो? गाइस अभी हम तो बैठ चुके हैं गाड़ी में, पता नहीं मेरे को वसीम कहाँ लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी व्लॉग में। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं छठे ज्यारत पे। आप कभी आए हो नहीं आए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो अभी मैं आपको ना यहाँ की जो ज्यारत है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रही सामने यहाँ पर ज्यारत शरीफ, और यहाँ पर देखो काफी सारे लोग बैठे हुए हैं मांगने वाले बेचारे। और ये भैया की टांगों की हालत देखो बहुत बुरी है। गाइज यहाँ पर ये रैक्स वगैरह लगाए हुए हैं शूजों के लिए, तो अब क्या करें? शूज अगर यहाँ पे रख के जाएंगे मिलेगा क्या? क्या भीड़ देखो गाइज यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। स्लिम भी गए हैं भैया से पूछने के लिए कि नियाज जो है वो कहाँ पर डालनी है। इसके अंदर काफी अंदर आ चुके हैं, लेकिन मैं ज्यारत जो है ना वो आगे है, बट मैं अभी नहीं जा रही हूँ ज्यारत के अंदर। गाइज ज्यारत शरीफ के अंदर जो है ना, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, बट यहाँ पर ना काफी ज्यादा शोर है। ज्यारत शरीफ के अंदर और वसीम तो अभी हम यहाँ पर खड़े होकर ना स्लिम भैया का ही वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कब तक आते हैं, तो फिर हम उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए। सो गाइस फाइनली स्लिम भैया जो है वो वापस आ चुके हैं ज्यारत शरीफ से। शाम के बजने वाले हैं 6, तो हम जा रहे हैं घर वापस ज्यारत शरीफ से होके। तो बुरा लगा कि मैं ज्यारत शरीफ के अंदर नहीं गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार इंशाल्लाह जाऊंगी। तो ठीक है गाइस अभी पता है आपको मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? जम्मू में जो एयरपोर्ट है ना उसके सामने मैं खड़ी हूँ, ये देखो उसके पास ही हम खड़े हैं। लेकिन अफसोस ये बात है कि हम ना इसका वो एरोप्लेन जो है नहीं देख पा रहे, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें जो है वो चढ़ाई हुई है। मेरे को वसीम ने बोला था कि वहां से ना मतलब देख सकते हैं हम एरोप्लेन, बट वसीम बताओ कहाँ से देखें? यहाँ से ऊपर चढ़ो दीवार के। हाँ दीवार के ऊपर। तो अफसोस मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं इतने पास आकर मैं एरोप्लेन को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हूँ, क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पर रोड में खड़े हैं, तो घर जाने के लिए ऑटो को कर रहे हैं वेट। तो चलो मिल गया ऑटो, शुक्र है। ये इलेक्ट्रिक ऑटो है गाइस, चलो जी। हाँ सो गाइस फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं घर के लिए। अब हमें और कहीं भी नहीं जाना है। नून का भी मैंने ले लिया। सो गाइस जस्ट अभी हम इस ऑटो से उतरे हैं, तो ऑटो जो है वो निकल गया है। गाइस हमें यहाँ से दूसरी गाड़ी पे बैठना है विक्रम चौक के लिए।